नमस्कार जी, मैं हूं कुणाल और आज हम बनाएंगे मसालेदार प्याज के पराठे, लेकिन विद अ ट्विस्ट। हम बनाएंगे लच्छे, उन लच्छों के अंदर होगा ये चटपटा मसालेदार प्याज और जब वो बनेंगे करारे, आप देखेंगे आपके मुंह में पानी आएगा, खाएंगे तो एक पे नहीं रुकेंगे। तो शुरू करते हैं मसाला लच्छा प्याज परौठा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे, एंड तक वीडियो देखें। अब देखिए, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है प्याज, दूसरा है लच्छा पराठा। तो सबसे पहले हम डो से शुरुआत करेंगे, जहां आटे के अंदर थोड़ा सा ऑयल, जेनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट और पानी। देखिए, जब भी पराठे का डो, स्पेशली लच्छे का हम डो बनाते हैं, तो आटे को थोड़ा सा टाइट रखना होता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो लच्छे हैं या परते हैं वो अच्छे से निकले। आप चाहें तो इसी को मैदे से भी बना सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। और अगर आप चाहें तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ आटा और मैदा ले सकते हैं, वो भी चलेगा। ऑलराइट, ये देखिए डो तैयार। इसे एक गीले कपड़े के नीचे रखना है ताकि पपड़ी ना जमे, और इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे। जब तक डो रेस्ट कर रहा है, प्याज को हम काट लेंगे। अब प्याज को जो काटना है वो पतला पतला काटना है, स्लाइसेस में, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लच्छे के अंदर इस स्लाइस अनियन को डालेंगे, अगर वो मोटा रहेगा तो पराठा फट जाएगा, इसलिए पतला पतला ही काटना है ऐसे। वैसे प्याज जब भी कटता है ना, बहुत रुलाता है, क्या आपके पास कोई नुस्खा है इससे बचने का? अगर है तो जरा नीचे कमेंट्स में बताइए, हम भी पढ़ें, क्या पता वाकई कोई नुस्खा चल जाए। चलिए, प्याज कट गया, उसे एक प्लेट में या परात में फैला कर रखना है। चलो जी, लग गया आंख में पानी, बुरा हाल हो गया। अब प्याज को इसको फैला कर इसलिए रखते हैं ताकि इसको हवा लगे। देखिए, जितना प्याज का पानी इस वक्त सूख जाएगा, उतनी आसानी होगी पराठे को बेलते वक्त। प्याज हो गया, अब इस डो के हम पेड़े काटेंगे। डो को यूं रोल कर लीजिए और अब इक्वल भाग में से काट लेंगे। ये जी सेंटर, करीबन 6 पेड़े इसके निकल आएंगे। अब इन्हें हल्के हाथ से यूं गोल करके रख देंगे, बहुत टाइट नहीं करना, हल्का ही रोल करना है। और ये जी आखिरी, वंस अगेन इस पे ये डैम्प क्लॉथ हम चढ़ाकर रख देंगे। अब एक बार फिर से प्याज की तरफ चलना है। प्याज के ऊपर हम डालेंगे मसाले, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, नाइस एंड ब्राइट, ये है साबुत जीरा, थोड़ा कुटा हुआ धनिया, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, ये है धनिया पाउडर, चाट मसाला, चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा, हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा काला नमक। इन्हें अच्छे से अब मिलाना है और पेड़े काटने के बाद ही प्याज में हम नमक डालेंगे, पहले नहीं। और क्योंकि इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च है तो इसका रंग थोड़ा ब्राइट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा करारा अभी भी नहीं हुआ, जो तीखापन है वो मैक्सिमम आएगा हरी मिर्च से। अच्छे से इसे मिलाना है ताकि नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाला प्याज तैयार है, पेड़े भी तैयार हैं, तो अब बनाएंगे जी लच्छे। बहुत ही सिंपल है, पेड़े को लेना है और पतला पतला फैला लेना है, और जब आप इसको फैलाएं ना, अच्छे से बड़ा करके इसे फैला लीजिए, यूं साइज भी, और इस वक्त भारत का नक्शा बन जाए नो प्रॉब्लम, वर्ल्ड मैप बन जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसके लच्छे ही बनने बाद में, इसलिए इस वक्त शेप इसकी मैटर नहीं करती। एक बार ये मिल गया, इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल, या आप मेल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से फैला लीजिए, उसके ऊपर हम डालेंगे हमारा ये मसालेदार चटपटा स्पाइसी प्याज, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, बस यूँ फैला लेना है। फिर इसी के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा, यूँ हल्का सा, ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो सोख कर लेगा और ये सूखा आटा मुंह में नहीं आएगा, डोंट वरी। अब इसको इस तरीके से, फिर इस तरीके से,
फिर इस तरीके से जी, और फिर इस तरीके से फोल्ड करना है। ये लंबा जैसे फुट लॉन्ग या सैंडविच होता है बिल्कुल वैसे बन गया, ठीक है ना। अब ऊपर से 1 सेंटीमीटर छोड़ना बस, थोड़ा सा, और बीचों बीच इसको यूं ऐसे स्लिट देना है एंड टू एंड। उसके बाद इसे यूं निकाल कर इस तरीके से ऊपर की तरफ फेस करते हुए रखना है। दूसरा वाला भी ऐसे, ठीक है ना। अब एक सिरे से पकड़कर इसे यूं घुमा दीजिए और ये जो सिरा बचा ये इसके नीचे। लो जी, लच्छे का पेड़ा तैयार। बहुत बढ़िया लग रहा है, देख के आप घबरा जाएंगे यार इतना बड़ा। घबराइए नहीं, बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत सिंपल है। एक बार फिर से देखिए हमारा पेड़ा, प्रेस इट डाउन। अब इसको पतला पतला बेल लेंगे, आड़ा टेढ़ा सब चलेगा, बस पतला पतला लंबा फैला लीजिए। इस पर डालेंगे हम ऑयल, ऑयल को फैला लेंगे। हम लेंगे लच्छा प्याज और इसके ऊपर हम डाल देंगे। फैला दीजिए इसे अच्छे से। अब थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर और अब इसे हम फोल्ड करेंगे ऐसे 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 और ऐसे। अब यूं लंबा रखकर 1 सेंटीमीटर छोड़ना है और फिर इसको काट लेंगे। अब इसको यूं उठाकर सीधा इस तरीके से खड़ा कर देंगे। इसका दूसरा सिरा भी ऐसे, और अब एक सिरे से इसे यूं ऐसे मोड़कर हम इसका लच्छा तैयार करेंगे और फिर ये बचा हुआ सिरा इसके नीचे और हमारा ये लच्छा तैयार। लच्छे तैयार है, इसको बस बेलना है। बेलना आसान है, थोड़ा आटा नीचे टेबल पर, थोड़ा इसके ऊपर एंड देन जस्ट प्रेस इट। हाथ से, हल्के हाथ से थोड़ा सा फैलाना है, थोड़ा सा सूखा आटा बेलन पर और बड़े हल्के हाथ से इसे फैला लेंगे। अब ध्यान रहे फैलाते वक्त बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना इसे, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मोटा रख दिया आपने, पराठा कच्चा रह जाएगा। ये देखिए बहुत आसान है और किस खूबसूरती से इसके लच्छे निकले हैं। नाइस। ये जाएगा गर्मा गर्म तवे पर। इत्मीनान से इसे पकने दीजिए, जितना ये अच्छे से पकेगा नीचे से फर्म हो जाएगा, पलटने में आसानी होगी। अब इस तरफ भी आराम से पकने दीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। एक बार फिर इसे पलटेंगे और अब इस पे जाएगा ऑयल, अच्छे से चम्मच से फैला लेना है। वाह, देखिए अभी कच्चा है लेकिन अभी से इतना खूबसूरत लग रहा है और टेम्पटिंग लग रहा है, लाला जा रहा खाने का। पलट दीजिए, जेंटली प्रेस करना स्पून से, स्पेशली ऑन द साइड्स एंड सेंटर। सेंटर में थोड़ा सा आटा मोटा होगा इसलिए सेंटर को पकाना ज़रूरी है। थोड़ा सा ऑयल ऑन टॉप, फ्लिप अगेन एंड लुक एट दैट, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग। क्या खूबसूरत लच्छे निकल रहे हैं। इसी दिन अभी तक इसे खोला नहीं हमने, ऑलरेडी इतने प्यारे लच्छे नज़र आ रहे हैं इसके। सुपर, यहाँ से इधर इधर, ये ब्यूटीफुल। इस तरीके से जब आप पराठा बनाते हैं, पहला बहुत ही खस्ता बनता है बाहर से, दूसरा क्योंकि इसके अंदर लच्छे बने हुए अंदर से सॉफ्ट होता है, और तीसरा प्याज आप भरपूर डालते हैं और इसमें वो डर नहीं ना कि हाय बेलते फट गया, अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं है वो नहीं। इट लुक्स गुड ऑल्सो, सुपर। पीछे से भी देखिए क्या बढ़िया करारा पराठा, और जो खुशबू आ रही है ना इस वक्त प्याज की, अनबिलीवेबल। बस इसके ऊपर चाहिए मक्खन और एक बड़ा ग्लास लस्सी का। खाओ रज के सो कज के, जिन जिन लोगों को पंजाबी समझ आती है बताओ जी मैंने क्या बोला है। खाओ रज के सो कज के। पराठा हमारा तैयार है, लेट्स प्लेट इट।
ये देखिए, ये देखिए ढेर सारे लच्छे इसके निकल रहे हैं। ये होता है मसालेदार लच्छा पराठा। एक एक बाइट में इसकी करारा पराठा और मसालेदार प्याज, सुपर। एक बार फिर से देखिए, पेड़ के ऊपर सूखा आटा, थोड़ा सूखा आटा बेलन के ऊपर भी, उंगली से ऐसे प्रेस करिए और उसके बाद हल्के हाथ से बेलन चला दीजिए। घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं फटेगा, थोड़ा प्याज बाहर निकल भी जाता है, दैट्स परफेक्टली ओके। ये देखिए क्या बढ़िया लच्छे निकल रहे हैं और क्या प्यारा रंग आया इसका, सुपर। ये देखिए जी, आहा हा, मज़ेदार लच्छेदार मसालेदार परोठा ये गया रायते में। सुपर। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे ट्राई करिए घर पर। हमारा मसाला लच्छा प्याज परोठा पसंद ना आए ना तो क्या ना।